Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 13 which is fuel. अभी तक हमने पढ़ा fuel क्या होता है, fuels के types कौन कौन से हैं, उसके बाद cost of fuel पढ़ा, उसके बाद fossil fuel और उसके sources पढ़े. अब जो हमारा next heading है वो क्या है, renewable and non-renewable resources. Renewable resources और non-renewable resources क्या होती है उनके बारे में पढ़ना है. Renewable resources can be repulsed with the passage of time. Renewable resources क्या होती हैं, time to time इसे हम क्या कर सकते हैं, recover कर सकते हैं. मतलब ये अगर हम बात करें renewable sources की, तो ये ऐसे resources होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे. जैसे क्या हो गया, wind हो गया, sun हो गया, water हो गया, ये क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. मतलब इनका हम कितना भी यूज़ करें ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे उन्हें हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इसका एग्जांपल है विंड, सन और वाटर. विंड पावर इज़ यूज टू प्रोपेल शिप एंड इन वाटर पंपिंग. अब विंड पावर का यूज़ कहाँ किया जाता है, शिप को प्रोपेल करने के लिए, मतलब शिप को चलाने के लिए, या फिर वाटर को पंप करने के लिए. सोलर एनर्जी इज़ यूज इन सोलर कुकर एंड हीटिंग ऑफ वाटर. सोलर एनर्जी का यूज कहाँ किया जाता है, सोलर कुकर में या फिर वाटर को गर्म करने के लिए. जैसे ये दिखा हुआ है डायग्राम सोलर कुकर का. सोलर कुकर क्या होता है, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जो उसमें खाना रखा होता है या फिर वाटर रखा होता है उसे क्या करता है, गर्म करता है. अब जैसे ये विंड दिया हुआ है, विंड एनर्जी. विंड एनर्जी क्या होती है, जब विंड फ्लो करती है, ब्लो करती है, तो क्या होता है, ये जो इसमें बाहर ये बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी हैं क्या होती हैं, रोटेट होती हैं, और जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर वाटर पंपिंग भी कर सकते हैं. फ्लोइंग वाटर इज़ यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जो फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे जो हमारा वाटर होता है उसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. A non-renewable resources is the resources that does not renew itself at a sufficient rate for sustainable economic extraction of meaningful human time frames. अब non-renewable ऐसे resources होते हैं जो एक finite resources, मतलब उनका जो amount है वो क्या है, fix है. मतलब आप उसे अगर ज़्यादा use करोगे तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. और उनको मतलब उनको अगर बनाना चाहें हम कि हम इन रिसोर्सेज को जल्दी से फॉर्म कर लें, तो वो हम नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि इनके फॉर्मेशन के लिए बहुत साल लगते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं थोड़ा सा अमाउंट को प्रिपेयर होने के लिए. फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, कोयल, नेचुरल गैस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो फॉसिल फ्यूल हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. वी शुड ट्राई एंड यूज देम judiciously so that our future generation can also enjoy and use them. हमें इनको judiciously use करना चाहिए जिससे हमारी जो future generation है, जो हमारी आने वाली generation है, वो भी इसका use कर सके और enjoy कर सके. Natural resources such as coal, petroleum and natural gas take thousands of years to form naturally and cannot be replaced as fast as they are being consumed. अब क्या लिखा हुआ है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके फॉर्मेशन के लिए हजारों साल लग जाते हैं, और अगर हम चाहें कि इन्हें हम जल्दी से रिप्लेस कर लें तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है. इवेंचुअली इट इज़ कंसीडर्ड दैट फॉसिल बेस्ड रिसोर्सेज विल बिकम टू कॉस्टली टू हार्वेस्ट एंड ह्यूमैनिटी विल नीड टू शिफ्ट इट रिलायंस टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड पावर. मतलब कि जहाँ तक हो सके तो हमें इन रिसोर्सेज का, पेट्रोलियम का, कोल का, इन रिसोर्सेज का यूज़ क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए. और अगर इनकी जगह हम कोई अदर रिसोर्स यूज़ कर सके, जैसे सोलर एनर्जी हो गया या फिर विंड पावर हो गया, तो इनका क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए. तो ये था हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी. तो हमारा चैप्टर 13 ओवर हो गया है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.